गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं वीरों के वीर महावीर की, एक ऐसे बहादुर इंसान की जिसने पहले बैंक में चोरी करने की कोशिश करी लेकिन वहां पर वो पकड़ा गया, फिर उसे उठाकर डाल दिया गया प्रिजन में और उसने प्रिजनर के मुंह पे लोहे की रोड नहीं मारी और वहां से भी अकेले काफी मुश्किलों का सामना करके एस्केप कर लिया। सबको लग रहा होगा कि यार अब ये सुधर जाएगा, बेचारे के साथ बहुत ही बुरा हुआ था। लेकिन एक दिन वो टीवी देख रहा था और उसे टीवी में पता चल गया कि एक म्यूजियम में डायमंड रखा हुआ है और भाई उसका कीड़ा फिर से जाग गया और उसने वहां पर जाकर उस डायमंड को भी चुरा लिया। अब उसके बाद आगे देखते हैं भाई क्या हुआ, वो अमीर बना या फिर अमीर ही बना होगा भाई, डायमंड मिला है। तो आज हेनरी शायद किसी हेलीकॉप्टर के अंदर है। ओके, उठ गया। Look, finally decided to wake up. You've been quite elusive, but your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. अच्छा, ऐसी कौन सी जॉब है? काफी खतरनाक लोग लग रहे हैं। ओके। I don't need to remind you that we've got you on several charges. Temporary, breaking yourself out of prison. Prison wali aur diamond stealing. Oh bhai. We've got quite a lot. Lekin main pakda kaise gaya? तो गाइस मिलिट्री वाले बंदों ने मुझे पकड़ लिया है और हेलीकॉप्टर में लेकर आ गए मेरे को। ओके, सामने प्लेन है, ठीक है, मैं समझ गया क्या करना है। ओ भाई, सच्चे में बहुत ज्यादा खतरनाक और हद से ज्यादा फनी गेम है, मतलब मेरे को समझ आ गया अभी क्या सीन है। तो गाइस देखो, अपने सामने जो बड़ा सा प्लेन देख पा रहे हो, उस प्लेन के अंदर चोरों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, थीव्स का ग्रुप है और उन्होंने शायद इस प्लेन को हाईजैक कर लिया या फिर वो इसके अंदर जा रहे हैं। तो ये जो मिलिट्री कैनल है हमें कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर काफी सारे चार्ज है, तुमने पहले बैंक में चोरी करने की कोशिश करी थी, उसके बाद तुम प्रिजन से भी भाग गए थे और साथ ही तुमने डायमंड भी चुराया था, तो तुम इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। यानी कि अगर हम लोग इस प्लेन में जाकर इन चोरों को पकड़ लेते हैं तो ये लोग हमारे ऊपर से सारे चार्जेस हटा देंगे। अब सबसे पहले हमें उस प्लेन तक पहुंचना पड़ेगा और अपने पास चार रास्ते हैं, पहला कैनन बोल है, दूसरा ईयरपीस है, तीसरा स्टिकी हैंड एंड चौथा है ग्रैपल गन। वैसे अगर देखा जाए ईयरपीस से क्या होगा, शायद से पायलट मेरे को उस प्लेन के ऊपर लैंड करवा देगा, बट ये जो कैनन बोल वाला ऑप्शन है भाई सबसे बेकार लग रहा है। कैनन चलेगी मेरी पीठ पे, मेरी पीठ ही नहीं टूट जाएगी, वहां पर तो मैं बाद में पहुंचूंगा। स्टिकी हैंड पक्का कोई खिलौना होगा और मैं इसमें फेल होने वाला हूं। ग्रैपल गन यूज करते हैं, ये थोड़ा ट्रस्टेड लग रहा है। ओह भाई कैसे आकर भिड़ा भाई वो सामने उसमें। ओ मैं पहुंच गया, चलो चलो ठीक है। अभी गाइस हमें यहां पर शायद रूम के अंदर जाना है, यहां पर कोड एक लगा हुआ है। हमारे पास चार ऑप्शन है, या तो ये जॉय बजर क्या होता है पता नहीं, या फिर एक्सपेंडिंग फॉर्म, या हम लोग यहां पर वेट कर सकते हैं थोड़ी देर खड़े होके, या फिर बॉम्ब लगा सकते हैं। बॉम्ब लगा के गेट खोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। बॉम्ब बड़ा क्यों हो रहा है ये? हेलो, इतना बड़ा बॉम्ब क्यों डाल दिया भाई? प्लेन भाई प्लेन ही ब्लास्ट हो जाएगा, लग ही चूरन। बूम बड़ा कैसे हो रहा था? जॉय बजर क्या हो सकता है मेरे को ये नहीं पता। एक्सपेंडिंग फॉर्म वाला ट्राई करता है, इससे क्या होता है? ये तो खराब है। ये क्या था भाई, ये तो समझ ही नहीं आया मेरे को। अब अपने पास दो ऑप्शन है, जॉय बजर या फिर हम लोग बाहर खड़े होकर वेट कर सकते हैं, कोई ना कोई आकर तो गेट खोलेगा ही, तो वेट कर कर हम लोग देखते हैं। फास्ट फॉरवर्डिंग हो रहा है यहाँ पर अपने आप ही और गेट खुला। एक बंदा कॉफी, भाई प्लेन में कौन कॉफी पीने बाहर जाता है भाई? प्लेन हो रहा है, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा। ओके, बट अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड अभी हमें क्या करना चाहिए? अपने पास एक कंप्यूटर है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ का मैप पता कर सकते हैं, कुछ हैक वैक कर सकते हैं। एक ये एलिवेटर है और यहाँ पर एक वेंट है। इम्पोस्टर बनेंगे भाई, वेंट पक्का कहीं ना कहीं सही ले जाएगा हमें, वेंट में चलते हैं। ओके, अभी हम लोग यहाँ अंदर आ चुके हैं भाई। ये वेंट, ओए उधर कुछ रेड कलर का पड़ा हुआ था ना डायमंड जैसा भाई, पता नहीं वो कुछ तो था। ओके, तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें पहले इस जगह को टाप के उधर जाना है। अपने पास यहाँ भी चार ऑप्शन है, पहला है लीप, उड़ के क्यों जाएगा भाई, इंसान है क्या है, या फिर उड़ के तो नहीं जाने वाला। टेलीपोर्टर से हम लोग शायद जा सकते हैं, टेलीपोर्टर कभी कभार काम करता है, इसको यूज करते हैं। हो जाइयो प्लीज, इस बार ही हो जाइयो। ओके, हुआ हुआ, ओ हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये कहाँ हो गए टेलीपोर्ट? ये कहाँ टेलीपोर्ट हो गए हम? हेलो भाई, कुछ पता ही नहीं है कौन सी दुनिया में टेलीपोर्ट हो गए, फेल। ओके, अभी मैजिक पेंसिल, मैजिक पेंसिल शकला का बूम बूम है क्या? चलो ट्राई करते हैं। बट ये क्या था और ये बनाया, ये क्या था? ओह भाई ये कहाँ, ये क्या कर दिया यार, घड़ी गलत जगह अटैक कर दे। शाकाला का बूम बूम वाली पेंसिल नहीं थी ये, मैं बाद में पता चला है। स्टैचूज, इससे क्या होगा यार, साले क्या पता क्रेजी बॉल की तरह तू भी उड़ जाए। ये क्या हुआ? ओह अबे पागल, हाथ ऊपर मार देता सामने तो पहुंच जाता, बट चोट लगती बहुत है। लास्ट ऑप्शन बचा यार, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि उड़ के कैसे जाएगा, ये कैसे पॉसिबल है, पक्का इसी से जाने वाला है। कैसे? सामने बटन भी दब गया।
ओके कुछ बोला मैंने सुना नहीं। ओ अभी फाइनली गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं। अंदर J31 वाले डोर में एक बंदा है, वो देखो पीछे डोर में एक बंदा है। तो गाइस अभी ना हमें इस सामने वाले गेट को खोलना है। अपने पास चार ऑप्शन है, विजार्ड मैजिक या फिर हैक करके उसे, या फिर पेपराइजर, या फिर रेट्रो ग्लोब। वैसे जहां तक मुझे लग रहा है हैक करके ओपन हो जाना चाहिए अगर इसे हैकिंग आती होगी तो। अबे वो भाई से करंट लग गया, आवाज कैसे आई थी, लॉल भी हो गया भाई, ये क्या था। ओके दोबारा रिट्राई करते हैं। विजार्ड मैजिक भाई क्या पता बन जाए विजार्ड सीओसी वाला। खोल दे भाई प्लीज यार, ये तो आइस विजार्ड निकला क्रिसमस इवेंट वाला। ओके कोई नहीं दोबारा ट्राई करते हैं। रेट्रो ग्लोव ट्राई कर सकते हैं, रेट्रो ग्लोव पता नहीं क्या चीज़ है। ओके प्लीज मुक्का मार इस पे रख के, कुछ भी भाई ये तो कुछ आया नहीं भाई। जो चीज़ मेरे को लगती है इससे कुछ नहीं होगा उसी से क्यों होगा ये एक। यार हम पेपराइजर से कैसे चले जाएंगे अंदर। ओके अभी हम लोग यहाँ पर एक पेपर पे प्रिंट हो चुके हैं, अभी उस साइड चले जाएंगे भाई। टॉम एंड जेरी हो रही है क्या ये पूरी। अभी हम लोग यहाँ पर एक ये देखो रूबी तक पहुँच चुके हैं, इधर रूबी पड़ा हुआ है एक। ओके भाई कुछ ज़्यादा बड़ा रूबी नहीं है। ओके तो अभी हमें इसे चुराना है क्या। अच्छा वो चोर इस रूबी को चुरा कर भाग रहे हैं, और उधर की तरफ में देखो कितना ज़्यादा सोना पड़ा हुआ है। अपने पास तीन ऑप्शन है, क्लॉ पैक, ओके और ये क्या है ग्रेविटी मैनिपुलेटर, और श्रिंक एंड ग्रो। तो वैसे क्रॉप पैक मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, क्रॉप पैक यूज करते हैं। उठा ले ओए उसके क्रॉप पैक गाइस दोबारा देखेंगे उसके सर पे देखने का तुम्हारा भाई उसके सर पे क्यों मार रहा है, ग्रेविटी मैनिपुलेटर से देखते हैं क्या होगा। ओ भाई वो चुराना है उसे, तोड़ना नहीं है, पता नहीं कहां मारा, वो प्लेन से ही बाहर चला गया। एंड श्रिंक एंड ग्रो ही होगा, ऐसे छोटा हो जाएगा फिर शायद जेब में डाल लेगा। कर दियो भाई प्लीज ये काम करना चाहिए। ओ वाओ ये तो डोरेमोन का गैजेट निकला। ओके अभी हम लोग उसको चुरा कर बाहर निकलना है, बट स्टॉप राइट देयर। ओ मुझे अब रुकना पड़ेगा, फाइनल को भी पता चल गया भाई उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। ओके इन्होंने भाई साहब रेनफोर्समेंट के लिए बंदे बुला लिए, हम लोग बच जाएंगे अब। ओ हमने से रॉकेट मारा उन्होंने, बे देखो तो तुम्हारा बंदा भी है उस प्लेन में भाई इन्होंने से सीधा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, काफी सारे थीफ थे यहाँ पे। ओ अभी हमें अपनी जान बचानी है, अपने पास चार ऑप्शन है, शेल या आर्मर, या फिर प्रोपेन टैंक, या फिर अम्ब्रेला। शेल मेरे को ठीक लग रहा है क्योंकि कछुआ भी गाइस बहुत ज्यादा भाई गोली मार दी थी और हम पंखड़ी में लिपट गए। अरे नहीं 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 शैल से तो कुछ नहीं होगा। एंड यहाँ पर यार ये आर्मर से पक्का कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। अम्ब्रेला उड़ के भी तो जा सकते हैं नीचे, वैसे ये पतला सा ज़्यादा भारी नहीं होगा। बहुत सही बहुत सही बहुत बढ़िया। अबे भाई ये पंखड़ी में कैसे अड़ गया ओके प्रोपेन टैंक बचा, आर्मर बचा है, प्रोपेन टैंक ट्राई कर लेते हैं एक बारी। ओ गा फूट गया प्रोपेन टैंक, हो रहा है रॉकेट हो रहा है। तो गाइस देखो अभी अपने पास बस एक ही ऑप्शन बचा है और वो है आर्मर, तो फटाफट से इसी को ट्राई करते हैं। और ये पूरा का पूरा बॉडी आर्मर था, ओ भाई ये तो बिल्कुल एकदम सुपरमैन बन चुका है, और प्लेन की पंखड़ी के बीच में से निकलकर भाग रहा नीचे, पूरा रॉकेट पकड़ के भी सामने फेंक दिया। और लैंड कैसे पैराशूट, हेलो भाई पूरा जमीन पे आ गया, ये क्या है, कभी एकदम भोला बन जाता है और कभी पूरा सुपरमैन फेल कर देता है। और लच को पूरे मिलिट्री यहाँ पर आ चुकी है, प्लेन भी इन्होंने पूरा डाउन कर दिया है सारे भाई सबकी लड़ाई हो गई है मिलिट्री वालों की, और उसमें जितने चोर थे उन सब की। और बात आगे मिलिट्री वालों के पास जा चुकी है। ओके ओ क्या चाहिए इसे, इसके अंदर चार सी डी है, इनमें से कोई एक सी डी सिलेक्ट करनी है। डी ई बी 700 MB की है, ये कैसे साइज का लिखा हुआ है, एल कट एम की आई, भाई पता नहीं इन सीडियों से क्या होने वाला है। प्रोटोटाइप वाले सिलेक्ट कर देता हूँ भाई, मैं पता नहीं क्या है इसमें। ओ भाई यहाँ पर तो ऊपर से काफ़ी सारे मिलिट्री वाले आ रहे हैं जेट पैक लेके। ओ ये क्या था भाई, ये जितने चोर है देख रहे हो चोर को जला दिया भाई तीनों को। अपने पास रूबी है, नहीं चोर को नहीं जलाया। ओके वो जो चोर था वो कह रहा है कि रूबी उधर था, उन्हें जाने नहीं दिया यहाँ पर उतरा टॉयलेट करने के लिए। ओ रूबी इन्होंने उठा लिया यार, रूबी काश अपना हो जाता। ओके क्या हो रहा है, लेट हिम गो, व्हाट वी गॉट व्हाट वी केम फॉर, ही इज नॉट वर्थ द ट्रबल।
ये क्या हुआ? ये रूबी किसके पास है? हमने रूबी चुरा लिया क्या भाई? ये कैसे हमने रूबी चुरा लिया भाई? हमने उनकी ड्रेस पहन ली और रूबी उठाया, उन्होंने हमें जाने दिया। वाओ। नेक्स्ट मिशन फीलिंग द कॉम्प्लेक्स। ओके ओह हेलो, ये मैं कहाँ पे हूँ? हेलो हेनरी। हेलो, वेलकम। ये तो वही मिलिट्री वाला बंदा लग रहा है। सम ऑफ द मोस्ट कनिंग एंड नोटोरियस क्रिमिनल्स आर केप्ट हियर। ये क्या? You're going to be here for a long time. भाई भाई भाई, Grigori, तो वो जो हमने रूबी चुराया था, हम लोग उसे चुरा कर भाग नहीं पाए थे। ओके, ये लोग हमें पकड़कर एक ऐसे प्रिजन में लाकर डाल चुके हैं जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े चोर चक्कों को रखा गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, और अभी हमें यहाँ पर इन सिक्योरिटी को तोड़ के बाहर निकलना है। अपने पास चार ऑप्शन है, बूस्ट अप, चार्ज टैकल, या वेट फॉर ट्रांसफर, या फिर प्ले डेड। हाँ, मरने की एक्टिंग करते हैं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ ज्यादा अच्छी एक्टिंग है। कैसी आवाज है इसकी? Put him with others. Okay. Okay. Oh, भाई ये क्या? उसने बोला था put him with others. इन्होंने तो ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिया, सबको नीचे फेंक देते क्या भाई जो मरता है? ये खतरनाक था। Okay, तो अभी फिलहाल ये boost up वाला ऑप्शन क्या है, ये ट्राई करते हैं। पत्थर फेंक के मारेगा क्या इसमें? ऊपर एक वेंट है वैसे, और यहाँ पर एक और लड़की है जो शायद से इसको भी पकड़ रखा है। ओह भाई, लटक के आ गया, ये खोल भी दिया। भाई ये कभी स्पाइडरमैन बन जाता है, कभी इससे कुछ होता ही नहीं है। ओके, तो भाई अभी तो बड़ी समझदारी वाला काम कर रहा है। अपने पास एक ऑप्शन है तो आगे जाने का या ऊपर जाने का। ऊपर कोई रास्ता है नहीं, पर यही सही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओई, अच्छा इसको भी छुड़ा लिया साथ में। तो भाई ये सही है, चलो अभी हम दोनों अभी हम दोनों बाहर आ चुके हैं। ठीक है, सामने दो लोग हैं। और अभी गाइस हम दोनों मिलकर यहाँ से एस्केप करने वाले हैं। तो अपने पास चार ऑप्शन है, एक है डिस्ट्रैक्ट करके इन लोग को, और दूसरा है ऊपर सब इनका गला घोट के, तीसरा है बाउंस ब्रोस, और चौथा है टॉल गाय। टॉल गाय बनकर निकलते हैं। दोनों एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। ओह भाई, पकड़ लिया तुरंत, मेरे को लग रहा था जाने देंगे। ओके, एक है ये बाउंस ब्रोस, ये ट्राई करते हैं। आ जा भाई। बे भाई, इतनी ज्यादा ऊपर नहीं उछालना था। अभी तो फिलहाल ये डिस्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन ही बचा है। ओ भाई, ये अलग ही। चलो चलो चलो, नाचने लग गए दोनों। अबे चारों क्यों नाचने लग गए? चलो ना भाई, ये फेल कैसे हो गया? वो दोनों नाच रहे, निकलो। अब ये एक लास्ट ऑप्शन बचा है, इनको टेक डाउन करके। लेट्स गो। ओह वाओ, एजेंट 47। चलो अभी दोनों को हमने डाउन कर दिया है। ओह, हम थोड़ा सा और आगे आ गए हैं। यहाँ पर एक वेंट है। ओके, तो पहले हमें ऊपर जाना पड़ेगा। हम लोग ऊपर से उस गेट को खोल के उस पार जा सकते हैं। ओके, तो अपने पास तीन ऑप्शन है, जूडो थ्रो, द फोर्स, या फिर ग्रेविटी वी 2.0। वैसे जूडो थ्रो तगड़ा लग रहा है, ऐसे अगर ताकतवर हुई तो उछाल दे। तेरी कुछ ज्यादा ताकतवर थी, सीधा ही भिड़ा दिया सामने। ग्रेविटी वी 2.0 मेरे को थोड़ा सही लग रहा है। ओके, ऊपर आ चुके हैं। ओ वाओ, ये सही था। अबे फूटा कैसे वो बबल भाई? पता नहीं। तो चलो, ये द फोर्स वाला तरीका, जिसको देख के कुछ लग ही नहीं रहा हो पाएगा, वही तरीका शायद सही था। ओ भाई, गला घोट के ऊपर ले आई भाई वो हवाई आवाज से, कुछ भी हो जा रहा है भाई। चलो अभी हम लोग इस साइड आ चुके हैं, गेट हमने खोल दिया। ओए, अच्छा सारे निकल कर भाग गए। सारे चोर निकल के भाग गए हैं। ओके, अभी हम दोनों यहीं पर रुक गए, बाकी सारे चोर निकल के भाग गए, सारे गेट खुल गए एक ही बार में। तो हम दोनों के पास दो ऑप्शन है, मैं ग्रेनेड मार सकता हूँ, स्नाइपर मार सकता हूँ, और ये लड़की जो ये क्रॉसबो मार सकती है, और ये टेजर मार सकती है। टेजर मेरे हिसाब से स्टन गन होती है, तो एक काम कर तू, मैं ग्रेनेड मारता हूँ और तू क्रॉसबो मार दे। ओके, ओ भाई ये क्या था? उसने भाई ग्रेनेड के ऊपर ही क्रॉसबो मार दिया, उसके आंख में घुस गया और डर के हमारे ऊपर ही आगे कूद गया। वाओ, अभी एक काम करते हैं, मैं स्नाइपर मारता हूँ और तू टेजर ही मार, क्या पता डाल। अबे ओ, उसने टेजर मेरे मार दी, मैं स्टन हुआ भाई, तब में गोली भिज गई तुक्के से। ओके, उसने उन सबकी कैप उठा ली। ओके, तो अब अपने पास तीन ऑप्शन है, या तो हम लोग इसको ऐसे अपने ऊपर कैप रख कर निकल जाएंगे तो इनको लगेगा कि ये भी प्रिजन के ही गार्ड्स है। तो हाँ, ये सही लग रहा है। Thanks. Can you believe this inmate outbreak? Crazy, huh? Yes, it is pretty crazy. Oh, are you guys new here? Oh yeah, we transferred from the 8th floor.
इसको शक हो रहा है। ओ भाई पकड़ लिया, इसने कहा था हमारा 8th फ्लोर से ट्रांसफर हुआ यहाँ पर, उन्होंने भाई पकड़ लिया, कैफेटेरिया है वहाँ तो। ओके तो अब ऑप्शन है टॉस या फिर पास बाय, तो पास बाय कर देखते हैं, चुपचाप से निकल जाएंगे। चल 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 चल, बहुत सही बहुत सही। ओके निकल गए, इसको शायद शक हुआ। ओ भाई साहब आगे वो चोर खड़े हुए थे और उनको लगा गार्ड्स यहाँ पर आ गया, भाई चोरों ने हमें मार दिया। वाह भाई कुछ भी जा रहा है, तो टॉस कर ही हम लोग जाएंगे भाई, जो लगता है ना नहीं होना वही हो रहा है। ओ टोपी आगे फेंक दे, ओह वो चोरों को जाकर उन्होंने पकड़ लिया। ओ ठीक है। ओ भाई ये बाहर, अच्छा ये जो सारे चोर निकल कर भागे है ना सारे, ओए इसने इस लड़की को पकड़ लिया और हमें उसे भी बचाना पड़ेगा। हम या तो एकदम ऐसे पागल वाला फेस बनाएंगे, तो उसे फेस नहीं फेस बनाएंगे, उसको हंसी नहीं आएगी मुझे पक्का पता है, या फिर उसे घुटना मारते, घुटना पड़ेगा तेरी चल तेरी। अबे दोनों में मार दिया इसने वो घुटना, परफेक्ट भाई दोनों में घुटना दे दिया। एड्रेनलिन देखते हैं इससे क्या होगा। ओ भाई बुड्ढे में जान होता है, इसके आगे फेस ही बनाना पड़ेगा। ले भाई ओ भाई साहब ये क्या था, तो कैसे बच गए। ओके तो अभी हमारे पास तीन ऑप्शन है यहाँ से निकलने के, या तो इधर से जो पिंजरा टूटा हुआ है, जो चोरों ने पिंजरा तोड़ा है यहाँ से निकल सकते हैं, या फिर हम लोग इस ट्रक में बैठ कर निकल सकते हैं, या फिर इधर एक रास्ता यहाँ से जा सकते हैं। ये चोरों का ट्रक है, इसी में बैठ जाते हैं हम लोग भी इनके साथ साथ निकल जाएंगे। चलो चलो चलो, बहुत सही, भगाओ भगाओ। हेलो ट्रक तो चल ही नहीं रहा शायद, अबे ट्रक ही नहीं चल रहा भाई, एक सेकंड यहाँ से नहीं जा पाएंगे। इधर एक बाइक गिरी हुई है और इधर टूटा रास्ता, बाइक से मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। आजा आजा आजा, ओ तू कहाँ से आया बे, वो लड़की अकेले चली गई बाइक लेके, भाई बड़ी बात भाई साहब, कुल मतलब ही थी वो तो अकेले अकेले निकल गई। ओ तेरी भाई, वो बोर्ड तोड़ने गई थी, इसके मुंह पे लाकर मार दिया, इसके दांत टूट गए। चलो अभी हम लोग एस्केप कर जाएंगे यहाँ से, लेट्स गो गाइस, ये वाला भी हमने पार कर डाला। तो चलो गाइस आज के वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 7 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो और मुझे कमेंट में जाकर अपना फेवरेट सीन जरूर बताना। और हाँ यार जो भी चैनल पर चाहो सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज के वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, गुड बाय।